नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर्स के बारे में। सबसे पहले जानें क्लिनिकल थर्मामीटर्स के बारे में। क्लिनिकल थर्मामीटर्स ही हमारे घरों में मिलते हैं और इनसे हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर को ही मेडिकल थर्मामीटर भी कहा जाता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी एक तरफ सेल्सियस का स्केल होता है और दूसरी तरफ फ़ारेनहाइट का स्केल होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रीड करता है, क्योंकि इंसानों का जो टेम्परेचर होता है वह 35 से कम नहीं हो सकता और 42 से ऊपर नहीं जा सकता। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पर एवरेज इससे ऊपर या नीचे भी हो सकती है। अब बात हम करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर्स की। ये इस्तेमाल किए जाते हैं लेबोरेटरीज में। इनका जो स्केल होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर्स का, वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं, जब जिस चीज़ का टेम्परेचर माप रहे होते हैं उसमें से अगर बाहर निकाल दिया जाए इनको, तो इनका स्केल उसी टाइम चेंज हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्लिनिकल थर्मामीटर्स में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक किंक लगा होता है जो कि मर्करी को नीचे गिरने से रोकता है।